सो ही गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उड़नी की आशा और अनुपमा की डिवाइस टीआरपी के बारे में। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं उड़नी की आशा इशो की डिवाइस टीआरपी के बारे में। उड़नी की आशा इशो की सैटरडे की टीआरपी है 1.9, संडे की है 2.0, मंडे की है 2.1, ट्यूसडे की है 2.3, वेडनेसडे की भी 2.3, थर्सडे की 2.3 और फ्राइडे की है टीआरपी 2.2। और इस शो की बीएआरसी टीआरपी ने कर कराई थी 2.0। और उड़ने की आशा इस शो की टीआरपी में हमें थोड़ा डाउनफॉल नजर आया है। अभी आने वाले दिनों में इस शो में हमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने मिलने वाले हैं, जहां पर हो सकता है कि सचिन और साइडी एक दूसरे से अलग हो जाए। तो ये थी उड़ने की आशा इशो की डिवाइस टीआरपी। तो चलिए अब हम जान लेते हैं नंबर वन शो की यानी अनुपमा की डिवाइस टीआरपी के बारे में। अनुपमा इशो की सैटरडे की टीआरपी ने कल कराई थी 2.4, संडे की 2.5, मंडे की भी 2.4, ट्यूसडे की 2.6, वेनसडे की 2.8, थर्सडे और फ्राइडे अनुपमा शो की टीआरपी ने कल कराई थी 2.9। और इस हफ्ते अनुपमा शो की टीआरपी ने कल कराई थी 2.6, यानी अनुपमा इशो की टीआरपी में हमें बहुत अच्छा इंक्रीज देखने मिला है। और हो सकता है कि नेक्स्ट वीक टीआरपी 2.9 या फिर 3 तक पहुंच जाए। और अनुपमा इशो को भी काफ़ी अच्छी डिवाइस टीआरपी मिली है। तो ये थी अनुपमा इशो की डिवाइस टीआरपी। तो गाइस, अनुपमा और उड़ने की आशा, इन दोनों शोज में से आपका कौन सा फेवरेट शो है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट आपको स्टार प्लस के कौन से शो की डिवाइस टीआरपी जाननी है ये भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलता हूँ मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।